एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो टीएस ग्रेवाल क्या उसका बाप भी मेरे को नहीं रोक सकता। अच्छा बेटा, ऐसी हो रही है पढ़ाई? मानो ना मानो, एग्जाम्स इस जनरेशन का सबसे बड़ा स्कैम है और मेरे लाइफ में अभी यही चल रहा है, 12th boards। और जिन लोगों को लगा मैं 25 साल का बुढ़ा हूँ जो यहाँ पे कैमरा के सामने बैठ के अजीबोगरीब वीडियोस बनाता है, दैट्स राइट, मैं खाली 18 साल का बुढ़ा हूँ। CBSE ने सबकी मार के रख दिया है। लिटरली मैं एक ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ जो कब होगा मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब CBSE कभी भी डिक्लेयर कर देगा। अच्छा बच्चों, मैंने सुना तुम लोग घर पे मजे कर रहे हो, अब एक हफ्ते में आ जाना बोर्ड एग्जाम लिखने, करो ना। अबे भाड़ में जाए करो ना, बोर्ड एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं ये बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही मेरे मम्मी को बहुत टेंशन होने लगता है। अरे मम्मी चिल मारो यार, कुछ नहीं तो प्रोफेशनल टीवी वॉचर बन जाऊंगा, अमेरिकन पाई का पूरा सीरीज आधे दिन में खत्म कर डालूंगा। एंड यस, दैट्स अ रियल जॉब, ये देखो प्रूफ। और दोस्तों को एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले पूछो तो, हाँ ब्रो कल 9 घंटे पढ़े थे ब्रो, और आज 12 घंटे पढ़ने वाला हूँ। वैसे तू कितनी पढ़ाई कर रहा है आजकल? मैं तो चौथी बार रिवाइज कर रहा हूँ। अबे तुम लोग को क्या लगा मुझे पता नहीं कि तुम सब मिलके मेरा चूजा बना रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं गाली दूंगा? आर यू कॉमेडी मी? और वैसे 9 घंटे से 8 घंटे ब्रेक लेने को 9 घंटे पढ़ना नहीं कहते बेटा। आजकल मुझे लगने लगा है कि मेरे सारे एस्पिरेशन ही खत्म हो गए हैं। लोग वहाँ पे IIT, JEE उन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं यहाँ पे घर पे बैठे बैठे स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन बिंज करने को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये सब मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लोग कब से मेरा यूट्यूब छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बेटा एक साल ही तो है बेटा, पढ़ाई कर लो थोड़ा इस साल, वैसे भी इन यूट्यूब में कोई स्कोप नहीं है। और फिर आता है लेट नाइट स्टडी टाइम। साला नींद खराब करके किताब को घूरने से कुछ घुसता है तुम्हारे दिमाग में? मैंने तो एक बार ट्राई किया था, मैं एग्जाम हॉल में ही सो गया। स्कूल से मैंने एक चीज और बस एक चीज अच्छे से सीखी है और वो है कॉपी। ओके, आई शुडंट प्रॉब्ली एडमिट टू दैट ऑन अ पब्लिक फोरम, बट हू केयर्स, तुम भी करते हो मैं भी करता हूँ, कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। पर बोर्ड एग्जाम्स में तो वो भी नहीं कर सकते, अनलेस बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाए। और आजकल इन एग्जाम्स को लेके एक नया ट्रेंड आ गया है मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NSO, ISO, IMO। क्वेश्चंस तो इन पेपर्स में इतने हार्ड होते हैं कि लगता है खुद न्यूटन और आइंस्टाइन ही क्वेश्चन पेपर सेट करके गए होंगे। मैंने भी दिया 3 साल के लिए, एक बार भी लेवल 1 क्लियर नहीं कर पाया, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई। और इन एग्जाम्स के लिए ना जो जो बातें मैंने पढ़ी है भाई, इस जन्म में क्या शायद अगले जन्म में भी यूज ना करूं। और मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया ये एग्जाम्स के लिए टाइम लिमिट क्यों होता है, साले 3 घंटे बाद पेपर ही छीन लेते हैं। इन इनविजिलेटर्स को लगता है कि उन एक्स्ट्रा 10 मिनट में हमारे अंदर दैविक शक्तियां आ जाएंगी और हम सब आंसर करेक्ट 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 लिख के टॉप ही मार देंगे। मैं यहाँ पास होने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे कम से कम पेपर खत्म तो करने दे दो। और टीचर लोग बोलते हैं कि टाइम मैनेज करो, अगर 2 मार्क के आंसर के लिए मुझे 2 पेज लिखने को बोलोगे तो कहाँ से होगा टाइम मैनेज। पर एग्जाम्स का बेस्ट पार्ट क्या है मालूम? जब इन्विजिलेशन के लिए कोई PT टीचर आ जाए यार, नॉस्टैल्जिया, अरे मजे ही मजे हैं, कॉपी करने देता है, सब करने देता है। अभी तो साले खाली मैथ्स टीचर्स आते हैं, वो भी एक्स्ट्रा खड़ूस वाले। 5000 विद्यार्थी सुनना चाहिए, 5000 चाहिए मुझे। और फिर आता है PTM, एग्जाम्स के बाद वाला अंतिम संस्कार। याद तेरी जहाँ पे टीचर्स हमारी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक दिन क्लास लेट आ जाओ तो आपका बच्चा कितना नालायक है, हर दिन लेट आता है क्लास को। फिर जो घर पे पिटाई होती है ना भाई, सोच के ही डर लगता है। पर हाँ, जैसे धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच कर रही है, मेरी भी फट रही है दूसरे बच्चों की तरह, बट अनलाइक अदर किड्स
जो लोग एग्जाम्स के वक्त एग्जाम्स के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, आई प्रेफर मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि चाहे कोरोना हो या एलियन इन्वेजन, बोर्ड एग्जाम तो होके ही रहेगा, क्योंकि ना कोरोना भाड़ में जाए। तो तुम लोगों को ये नया स्टाइल कैसे लगा कमेंट करके मुझे बताओ। ऐसा स्टाइल मैं कभी करता नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। और अगर तुम्हें ऐसे ही रोस्ट वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे भी बोल बोल के थक गया। एनीवेज, ओवर एंड आउट, मान सैवेज।